तारीख 20 मई 2022, टाइम 10:06। मैं सो रहा था और तभी मेरे पास व्हाट्सएप पर सर का मैसेज आता है, मोहित चिकारा इज कमिंग एट 11। आई वॉज लाइक ड्यूड, जिसके वीडियोज आज तक मैं यूट्यूब पर देखा करता था, उनको आज सामने से मैं मिलने वाला हूँ। आई गॉट रेडी एज सून एज आई कुड एंड देन Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I'll pop off. Hey guys, welcome back to the vlog. Actually, मैं अभी मोहित चिकारा सर का वेट कर रहा हूँ. He is inside और वो अभी निकलेंगे and I will be meeting him. तो भैया जी, एक घंटे इंतजार करने के बाद फाइनली मुझे मौका मिला मोहित चिकारा भैया से मिलने का. अरे एक सेकंड, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, लेकिन इस तरीके से मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये वो फीलिंग जो है ना, वो बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही अलग तरह की फीलिंग थी. तो यार चलिए अपने तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं मिला उनसे. एक मिनट, क्या आप अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये मोहित चिकारा कोई सेलिब्रिटी है क्या, जिनसे मिलने के लिए मैं अभी इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ? मैं आपको बताता हूँ अपने तरीके से. तो चलिए, मोहित चिकारा, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर, पॉपुलर यूट्यूबर एंड ब्लॉगर विद 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन हिज चैनल. भैया जी, हम तो इनके ह्यूमर के फैन हैं, इनके जोक्स नेक्स्ट लेवल के होते हैं, और भैया हर्ष बेनीवाल के वीडियो के शान है ये. और भी बहुत कुछ है इनके बारे में बताने को, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देखिए. पहले हम लोग कॉलेज के इनोवेशन स्टूडियो में गए, क्योंकि वहां पर भैया को बहुत मन था लाइव प्रोजेक्ट्स देखने का. तो देखिए, तो बेसिकली अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, वो LPU की इनोवेशन स्टूडियो है. मैं सबसे पहले इधर ही से ले आया, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है इनोवेटिव होना. LPG बेस्ड है पूरे. After this, we went to Central Library और वहाँ पर मोहित भैया ने अपने कॉलेज के दिनों के जो लाइब्रेरी में एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे शेयर किए. और भैया मैं बता रहा हूँ, एकदम नेक्स्ट लेवल के इंसान है वो, मतलब एकदम ह्यूमरस. मुझे रियलाइज हुआ था इतना इंपॉर्टेंट, मुझे बुक्स नहीं मिल रही थी और बच्चों ने छुपा रखी थी, क्योंकि हमारे कॉलेज में बुक्स कम थी. यहाँ पे आई थिंक फोरेस्ट यहाँ बहुत बुक्स है, पढ़ना है तो बच्चे कोई बहाना ही नहीं है. और दिखाता हूँ आपको कैसे पढ़ा रहा था. पहली बार मैं लाइब्रेरी में तेज से बोल पा रहा हूँ और मुझे कोई रोक नहीं रहा है. और फिर देखते ये हुआ. गाइस, यू वांट टू सी? बता रहा हूँ, मैं नहीं सिखा रहा हूँ, वैसे टिप्स मांग रहे थे तो मैंने कहा रुको मैं करके दिखाता हूँ. ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया कर रहे हैं. भाई ने भी मुझे बताया इनके चैनल पे 100K व्यूज हो गए. गुड स्टार्ट, थैंक यू सर. आग लगा दियो. आपका आशीर्वाद तो जरूर से. इतना बड़ा नहीं हूँ, आशीर्वाद ले, एडवाइस ले मेरी. बस बुक्स के बीच में रोमांस बहुत देखा होगा तुमने, है ना? चल कर दे फेक. गूगल पे खोल ली. आजा. ऐसा ऑडिटोरियम है जो 9 एकेडमी लॉकर के साथ कनेक्टेड है, अलोंग विद लाइब्रेरी इज आल्सो कनेक्टेड. वो मैं बात कर रहा था ना, जो मैं अभी गूज़बम्प्स की बात कर रहा था, वो एक्चुअली यही कोई जगह थी. आपको दिखाता हूं. यही स्टेज थी, ये पहली स्टेज थी जहाँ मैंने पहली बार हम आए थे, हमारी पूरी टीम, हर्ष बेनीवाल टीम. पर अभी मैं ना अभी 2 साल पहले भी परफॉर्म कर गया हूँ, स्केच भी परफॉर्म करा था उससे पहले. Living the past. क्लिप होगी ना सर, तो मैं इसमें डालूंगा जरूर. YouTube पे है सर, YouTube पर है आपका क्लिप. वो है क्लिप? हाँ. अरे यार मेरे साथी. मैं देखता. So guys, we are just going to Google Lab. अभी मैंने भी नहीं देखा है, but let's go. Basically क्या है ना, इस कॉलेज का ना बहुत सारे इंडस्ट्रीज से आया है, तो जिससे स्टूडेंट के लिए बहुत इजी हो जाता है, इसके बारे में जानना. इसके बाद भैया हमें लगी थी बहुत जोर की भूख और हम निकल चुके थे किचन एट ए लंच करने के लिए विथ माई ऑल टाइम फेवरेट चिराग शर्मा सर. और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था भैया मैं उनके साथ बैठ के लंच कर रहा हूँ. So guys, I'm having lunch with मोहित चिकारा सर, तो दिखाता हूँ. कैसे लग रहा है सर खाना आपको LPU में? बढ़िया भाई, अभी भूख बहुत ज्यादा लग रही है. हाँ, तो अभी हम लोग लंच करके निकल गए हैं इनके साथ.
इंडोर स्टेडियम एक्सप्लोर करने के लिए एंड इंडोर स्टेडियम इज क्वाइट इंप्रेसिव. एंड देन वी वेंट टुवर्ड्स द स्विमिंग पूल ऑफ आवर कॉलेज. भाई एक बात बता रहा हूँ, कॉलेज क्यों ना, कितने स्पोर्ट्स खेलते नहीं खेलते अरे तो अभी मोहित भैया ने एक बास्केटबॉल मंगवाया है और अब हम बास्केटबॉल खेलेंगे. और मैंने कभी नहीं खेला है बट देखते हैं, खेलूंगा नहीं बस देखता हूँ. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. So hey guys, अभी हम आए थे मैकेनिकल ब्लॉक मोहित भैया के साथ एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है यार. बहुत हम्बल इंसान है बहुत ज़्यादा एंड सच में आई कांट एक्सप्लेन अबाउट हिम इन वर्ड्स. लिटरली बहुत प्यारा है ये. वो भी एक इंजीनियर है, ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर. सो अभी हम उनको मैकेनिकल इंजीनियर ब्लॉक में दिखाने आए थे. सो लेट्स गो. तो बहुत सारी चीज़ें होती थी हम कास्ट करते थे, पहले बनाते थे तो फर्नेस यूज करते थे और बहुत सारी चीज़ें पहले तो कुछ के बना जा रहा है और यहाँ पे हम उसको बैठ करते हुए चीज करते थे. ये साइड होती थी तब हम उधर से ना कास्ट करते थे उसके लिए यूज होती थी. ये सारे मॉडल्स हैं पैटर्न बढ़िया मैकेनिकल इंजीनियरिंग याद आ रही है मुझे. मैं बिलोंग करता, मैंने यहाँ पे ये सारे काम करे. हमने ये कारपेंट्री का भी काम करा, हमने वेल्डिंग का भी करा, उसमें वेल्डिंग की फॉर्म्स होती हैं बहुत सारी, वो सारा करा है. लेथ मशीन जो नीचे दिखाई है वो हमने यूज करी है. मतलब उसमें जिसने करा होता है ना उसको और ऐसा नॉस्टैल्जिक सा फील होता है कि अभी हम यहाँ पे क्लास के सारे बच्चे आते थे, बेल बजती थी, सबको आना होता था और वो होता है ना प्रॉपर तरीके से करने वाला तो मजा भी आता है. एंड देन वी वेंट टू द फैशन एंड डिजाइन ब्लॉक. ये स्टूडेंट का ही प्रोजेक्ट सारा. अच्छा मगर ये मल्टी मीडिया एनिमेशन का हो गया, ये फैशन का. सो गाइस सीरियसली स्पीकिंग इट्स द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, क्योंकि यार इतने पास से मैंने इनसे मिला एंड आई स्पेंड द होल डे विद हिम. सो गाइस बहुत मजा आया आज भैया के साथ, बहुत ज्यादा मजा आया और थैंक यू भैया वेलकम भाई दिन बनाने के लिए. एंड बहुत हेल्प करी इन्होंने और सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है. सर मेरे साथ अभी तक सारी जगह घूमे हैं एंड थैंक यू सो मच सर. और पढ़ाई लिखाई कर ले थोड़ा. हाँ पढ़ाई के साथ चलते हैं. आंटी अंकल देखते हुए देख लेना, लड़का वैसे ही करता रहता, पढ़ता लिखता नहीं है बस. अब अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल. अब तो भैया ने बोल दिया आप कर देना प्लीज. ठीक है भाई, थैंक यू सो मच सर लिफ्ट देने के लिए. बहुत मजा आया सर आपके साथ. थैंक यू सो मच सर.